जी, महासमन जी, इस बार अनवरत वर्ष घोषित किया है और अनवरत का कार्यक्रम गति प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आपके बारे में थोड़ा जाने, कहाँ से आए हैं आप? हमारा कोई घर नहीं है, हमारा कोई और कोई स्थान नहीं है। हमारे धर्म गुरु आचार्य श्री महाश्रवण जी है, उनकी आज्ञा से नेपाल की पुण्य धरा, जहाँ आचार्य भद्र भाऊ ने एक नया इतिहास रचा था, वहाँ से हमने वीरगंज नेपाल में चातुर्मास परिसंपन्न करते हुए हम जनकपुर धाम, जो जानकी माँ के स्थान से होते हुए त्रिकोरिया होते हुए आज हम जयनगर में मंगल प्रवेश किया है। जयनगर के श्रावक समाज में बड़े उत्साह और उमंग है। जैन धर्म क्या है, जैन धर्म का तात्पर्य क्या है? जैन धर्म भगवान महावीर का है। भगवान महावीर का सिद्धांत अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह और परिग्रह, अपरिग्रह, ब्रह्मचारी, ये पांच तत्व से समावेश होते हुए जैन धर्म का विस्तार हो रहा है। जैन धर्म में भगवान महावीर के शासन काल में एक संघ है जिनका नाम है तेरा पंथ। तेरा पंथ का मतलब एक आचार, एक विचार, एक गुरु, जो एक गुरु की आज्ञा में हम रह रहे हैं। जैन संप्रदाय में तीन संप्रदाय हैं। श्वेतांबर परंपरा में जहाँ पहली मूर्ति पूजक, उसके बाद थानक वासी, उसके बाद तेरा पंथी। मूर्ति पूजक लगभग 1000 वर्ष से शुभारम्भ है, थानक वासी 500 वर्षों से ऊपर है, तेरा पंथ धर्म संघ 261 वर्ष हो गया। और सोशल इंटरनेशनल तक तेरा पंथ धर्म संघ अपने इंगित आधार पर, जो आचार्य तुलसी का सपना अनुवर्त, अनुवर्त का मतलब छोटे छोटे व्रतों को स्वीकार करना, कहा भी गया है अनुवर्त इंसान को इंसान बनाना चाहता है, अनुवर्त इंसान को इंसान बनाना चाहता है, अनुवर्त गिरे हुए व्यक्ति को उठाना चाहता है। ध्यान से सुनो, अनुवर्त और कुछ नहीं चाहता, सोए हुए संसार को जगाना चाहता है। आचार्य श्री तुलसी ने हमें अनुवर्त आंदोलन दिया, और अनुवर्त का मतलब छोटे छोटे नियमों को स्वीकार करना। अनुवर्त कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है, अनुवर्त पर कोई जाति, भेद, लिंग, कोई भी उस मंच को स्वीकार कर सकते हैं। आचार्य श्री तुलसी के सन्निधि में बड़े बड़े राजनीतिक लोग, बड़े बड़े सामाजिक लोग, बड़े बड़े राष्ट्र नेता, बड़े से बड़े सब उनके चरणों में आए, उनसे आदान प्रदान किया। और आचार्य तुलसी और पंजाब लोंगेवाला का समझौता, राजीव गांधी आमेर में पधारे मेवाड़ में, उस समय गुरुदेव के सन्निधि में, यह आचार्य श्री का मिशन के कारण से यह आंदोलन समापन हुआ। हमारा गुरु का मिशन, और मिशन के साथ आज कहा गया है आचार्य श्री महाश्रवण जी, जो अहिंसा यात्रा के माध्यम से तीन आयाम दिया है, नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति। आचार्य परवर फरमाते हैं, नैतिकता की पुनः प्रतिष्ठा हम लोगों को करनी है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर नैतिक चेतना का जागरण होना चाहिए। परिवार, समाज और राष्ट्र में सद्भावना का वातावरण बनना चाहिए। आज बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, दारू, मांस, अंडा जो सेवन करते हैं, उनको हम प्रेरणा स्रोत देने के लिए छुड़ाने का प्रयास करें। हम साधु हैं, त्यागी और तपस्वी संयमी हैं, हमें कुछ लेना नहीं है। हमें वोट चाहिए ना, नोट चाहिए ना, शोर चाहिए। हमें आपको त्याग रूपी गुलदस्ता यदि भेंट कर दो तो आपका जीवन का कल्याण हो सकता है। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मुनि श्री आनंद कुमार जी कालू। अभी आप जयनगर में हैं, नेपाल होते हुए आए हैं, आपकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई है? मेरी यात्रा गुरुदेव महाश्रवण जी ने मुझे राजस्थान की धरा, जहाँ बाड़मेर जिले में एक मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम, बाईतू में कार्यक्रम समायोजित हुआ था, 100
जो 59वां मर्यादा महोत्सव हम समापन करके नेपाल में आए और वीरगंज में एक ऐतिहासिक और सफल चातुर्मास करके जयनगर पर आ रहे हैं। अब भी जो आप निकले हुए यात्रा पर, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जन जन के भीतर नैतिक चेतना का जागरण हो, सद्भावना हो, परिवार, समाज और राष्ट्र कैसे सुधर सकते हैं। आचार्य तुलसी ने कहा है, सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुवत सिंह रे जग में पसरेगा, मानवीर आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयम मय जीवन हो। मुनि जी एक और बताएंगे, ये जैन धर्म के जो अनुयायी है अपने मुंह पर पट्टी जो लगाते हैं, इसके पीछे क्या रहता है? हमारे मुखपट्टी का उद्देश्य है वही काय की हिंसा न हो। फिर से बोलिए। वही काय की हिंसा न हो। जो पट्टी काय है, अप काय है, तेजस काय है, वायु काय है, वनस्पति काय है और त्रस काय है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मीडिया के सामने में। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरे सहयोगी संत है जो तपस्वी संत, आपको मीडिया को ये भी बताना चाहता हूँ, जो 12 वर्षों से साधना में रत है, 13वां वर्ष जो उनका वर्षी तप चल रहा है, एक दिन खाना एक दिन नहीं खाना, जिनमें जैन धर्म का वर्षी तप, भगवान ऋषभ ने 24 वर्षी तप किया 13 महीना और 10 दिन से, अपने पड़पोतर श्रीयांश कुमार के हाथों से इक्षु रथ से पारना हुआ, वही मुनि जी अपनी यात्रा पैदल चलना 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर, एक दिन उपवास एक दिन पारना, ऐसे सेवा भावी तपस्वी संत बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है। आप लोग अभी इस टीम में कितने लोग आए हुए हैं? अभी हम दो संत हैं और हमारे साथ में जो सेवादार आए हुए हैं दो तीन वे लोग हैं। आप भी साथ में हैं? नाम बता देंगे आप? हाँ, नाम तो मोहन कर लिया बाबू। चलिए, इनका मोहन ज्यादा रहता है, क्या करें, इनका अरुण ज्यादा हो ना, किताब का पोस्टर करवा पकड़ा दो, मीडिया वालों को बता दो थोड़ा सा मेरे सामने से लेकर, समझ गया दो तीन जन। ये पकड़ लो मीडिया वाला। हाँ जी, सब आते सब साथ।